हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं सुधीर सतेंद्र सर के साथ। बच्चों, आज मैं आप सभी के सामने क्लास 12th की पोयम लेके आया हूँ, आन जेनिफर्स टाइगर्स। क्योंकि मेरा लगभग लगभग 90% मेरा जो सेक्शन बी और सेक्शन ए है मैंने आपको करवा दिया है, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में बताया भी था कि मैं क्वेश्चन आंसर के बाद पोएम्स को लेके आऊँगा, तो जितनी पोएम्स हो सकेंगी मैं करवाऊँगा आपको, जो सिंपल सिंपल सी हैं। उससे पहले मैं आपको फिर से एक बात बोलूँगा जो मैं लास्ट वीडियो में बोल चुका हूँ कि बच्चों, आपकी 12th में जितनी पोएम है, पहले तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि कितनी पोएम है टोटल और कौन सी चैप्टर से डिलीट कर दी गई है। तो जस्ट सपोज अगर आपकी पोएम है 5 तो आपको सिर्फ 4 ही पढ़नी है, अगर आपकी पोएम है 4 तो आपको सिर्फ 3 ही पढ़नी है। कोई भी एक पोएम जो आपको लगती है टफ उसे छोड़ दो, एकदम छोड़ दो। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, एक बात बताओ मुझे, अगर स्टेंजा आएगा तो एक उस पोएम में से आ गया जो आपने नहीं पढ़ी, लेकिन दूसरा वाला स्टेंजा तो उसी में से आएगा ना जो आपने पढ़ी होगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैं यूँ कह रहा हूँ कि जैसे मान लो, जस्ट सपोज आपकी 4 पोएम है, ठीक है, जिसमें से आपने 3 पढ़ी हैं और जो चौथी है वो आपने नहीं पढ़ी है। तो मान लो एक स्टेंजा अगर इसमें से आ गया तो जो और करके आएगा वो तो इन 3 में से ही आएगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपका स्टेंजा तो यहाँ से कवर हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों को, जो सेकंड वाली पोएम है आपकी एन एलिमेंट्री क्लासरूम जो है वो आपको छोड़नी है, क्योंकि अक्सर मैंने बच्चों को देखा हो, बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगती है। आपकी फर्स्ट पोएम बहुत आसान है, आपकी लास्ट पोएम बहुत आसान है, आपकी कीपिंग क्वाइट बहुत आसान है, आपकी आई थिंक ऑफ ब्यूटी बहुत आसान है, और आप बहुत आराम से उसको कर सकते हो। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते मेरे को, मैं सुधीर सत्येंद्र सर के साथ, मेरा नंबर है 8802159567। आज मैं आपको आंट जेनिफर टाइगर्स के बारे में बताऊंगा, वो क्या है, उसकी क्या स्टोरी है। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरे कंसेप्ट थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ये पोएम समझ में आ जाएगी। चलते हैं हम अपनी आंट जेनिफर्स टाइगर। मैं आपको ऑलरेडी इसकी ट्रिक बता चुका हूँ, इसकी पोएट को याद रखने की। मैंने कहा था कि एक चीज़ बताओ, जिसके पास बहुत सारे टाइगर होंगे तो गरीब होगा या अमीर होगा? तो सब बच्चों ने कहा था वो तो अमीर होगा। तो आप इसका नाम देखिए, एड्रिन रिच, वो तो क्या होगा, अमीर होगा। तो इसकी पोएट का नाम क्या है, एड्रिन रिच। रिच आपको याद रहेगा, एड्रिन आप याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ये सब नहीं बताऊंगा, ये जो यहाँ पे लिखा है मैं चाहूंगा इसको पढ़ करके आप समझे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्या है। हम डायरेक्ट चलते हैं पोएम पे। बच्चों सबसे पहले, कभी भी आप अगर पोएम पढ़ते हो तो उसकी मेन थीम को अगर आपको पकड़ना है, ऐसा हालांकि अभी तक हुआ नहीं है कि जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो पोएम से, मैंने देखा नहीं है अक्सर कि पोएम से कभी आता हो। अगर वो पोएम से आया तो उसको करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, ये जो हमेशा हर पोएम से पहले लिखा होता है ना, बिफोर यू रीड, बिफोर यू रीड, आपको इसको पढ़ना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ये पूरी पूरी पोएम की समरी आपको बता देता है कि ये किस बारे में बात करेगा, क्या कहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, वट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, इट इज माई होमवर्क टू ऑल ऑफ यू, डज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, डज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? और जब भी हम इसकी हिंदी बनाते हैं तो, क्योंकि आप सभी ने टेंस पढ़ रखे हैं, तो अब बारी है उनको रिवाइज करने की, अब बारी है उनको दोहराने की, जिससे आपका जो 5 तारीख का जो एग्ज़ाम है, 11th क्लास के बच्चों का भी 5 तारीख का एग्ज़ाम है, वो बहुत अच्छा निकले। ठीक है, तो इसकी जब हम हिंदी बनाते हैं तो इसकी जो एंडिंग होती है, जो इसका एंड होता है, वो किस 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 वर्ड पे होता है? जैसे हम पढ़ते हैं, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ता है, ती है, किस पे होता है? कहता है, वट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। कहता है, इस पोएम का जो टाइटल है वो आपको क्या सजेस्ट करता है? अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका हिंट मैंने इस हिंदी में दे दिया है, अब आप समझ सकेंगे तो समझ के मेरे को बताना।
आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स, क्या आपको कोई और पोएम याद है टाइगर्स पे? तो बच्चों आपको याद होगा टाइगर्स के, टाइगर्स पर पोएम है 10th क्लास में, टाइगर्स पे पोएम है 10th क्लास में। खैर हम आगे चलते हैं। ये पोएम बहुत ही छोटी है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी पोएम है। एक लेडी ने अपने मन की फीलिंग, एक लेडी ने अपने मन की फीलिंग को अपनी आर्ट के थ्रू दिखाया है, अपनी आर्ट के थ्रू दिखाया है। उस लेडी का नाम क्या है? आंट जेनिफर। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं कुछ बात आप लोगों से करना चाहूँगा, शायद आप मेरी इस बात को अगर समझ सकेंगे तो पूरी की पूरी पोएम आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप सभी ने मूवी देखी होगी भूल भुलैया। यस, भूल भुलैया मूवी। तो भूल भुलैया मूवी में आपने, आपको एक कैरेक्टर याद होगा, मंजुलिका। मंजुलिका, मंजुलिका क्यों बनी? क्योंकि बचपन से वो अपनी दादी माँ या नानी से कहानी सुनती थी, ठीक है, और उसी कहानी में खो गई। और क्योंकि उसके घर का वातावरण ऐसा नहीं था, एटमोसफेयर ऐसा नहीं था कि वो बात सबसे कह सके, तो वो बात उसके मन में धीरे 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 घर कर गई, और आगे जाके वो एक ड्यूअल स्पिरिट और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गई। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हमारी कुछ भी इच्छाएं जो होती हैं अगर नहीं पूरी होती हैं तो किसी ना किसी तरीके से बाहर निकलती हैं। जैसे मंजुलिका की बाहर निकली थी, वो मंजुलिका बन के निकली थी, ठीक है, जिसमें वो गाना है आमी जे तोमार झिन झिन झिन। तो वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, मन की इच्छाएं कैसे ना कैसे करके बाहर निकलती हैं और ज़रूर निकलती हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है। आंट जेनिफर, आंट जेनिफर जो हैं, जैसा कि हर हर किसी की शादी होती है तो इनकी भी शादी हुई, तो इन्होंने भी कुछ सपने सोचे होंगे अपनी शादी को लेकर के। जैसे हर कोई सोचता है कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो इन्होंने जो सपने सोचे थे उन सब सपनों पे पानी फिर गया। इनके जो पति थे वो इनको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले मिले, इतने प्यार करने वाले मिले कि हर बात इनको दे डंडे दे डंडे, खूब लाठी बजाते थे, हर बात पे पीट दिया करते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो इनकी जो इच्छाएं वो दब गई, तो अपनी इच्छाओं को बाहर निकालने के लिए इन्होंने एक ड्राइंग बनाई। ड्राइंग में इन्होंने बनाया टाइगर, ये देखो कितना बड़ा टाइगर यहाँ पर है, और रियली बहुत ज़्यादा अच्छा ड्राइंग करके बनाया एनसीईआरटी में। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये ड्राइंग, बहुत ज़्यादा। तो टाइगर बनाया और टाइगर को एकदम बेखौफ बनाया। बेखौफ क्यों बनाया? क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी जो है डर में निकल गई, डर में निकल गई अपने पति के डर में। हर बात पर उन्हें लगता था कि मैं कुछ बोलूँगी, मैं बोलूँगी इधर चल तो मेरे को दे डंडे मार के उधर चल, मैं बोलूँगी ये कर तो मेरे को दे चाटे मार के कहेगा ये कर। तो मतलब कि जो जो वो चाहती थी वो कुछ नहीं कर पाती थी। उसकी पूरी जो ज़िंदगी थी वो टेंशन में और टॉर्चर में निकल गई। उसका पति उसको इतना प्यार करता था कि बस उसकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे, और वो खुशी के आंसू नहीं थे, वो दुख के आंसू थे, आंसू थे, सॉरी। तो अब मैं चलता हूँ अपने पोएम पे, कि जो आपका स्टेंजा है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर, सभी को मैंने बता रखा है कोमा लगा के एस, और एस जब लगता है तो एपोस्ट्रॉफी एस होता है, इसका मतलब होता है का की के। आंट जेनिफर के टाइगर प्रेंस। बच्चों एक दूसरी बात और बताना चाहूँगा, किसी भी पोएम को, किसी भी लेसन को पढ़ने से पहले आपको हमेशा ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इसमें मुझे कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे, और वो नए वर्ड्स रटने नहीं हैं, वो नए वर्ड किसी ना किसी के सिनोनिम होंगे, जैसे कि आप लोगों ने पर्यायवाची पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो प्रेंस जो होता है, यू कैन से दैट इट इज़ अ सिनोनिम ऑफ जंप, कूद रहे हैं, कूदना वगैरह, ठीक है ना, मस्ती में घूमना, ठीक है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन, कि आंट जेनिफर ने एक स्क्रीन पे कढ़ाई करके कुछ टाइगर बनाए जो क्या कर रहे हैं, जो कूदते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ब्राइट टोपेज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वो क्या है? शुद्ध हिंदी में टोपेज को बोला जाता है पुखराज, ठीक है। ब्राइट कह रहे चमकदार पीले रंग के, क्योंकि जो हमारे जो टाइगर होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, कुछ कुछ मतलब डार्क येलो कलर आप बोल सकते हो, ठीक है ना, चमकदार पीले रंग के। डेनिजेंस मीन्स, देखो नीचे लिखा है अ पर्सन एन एनिमल, बेटा ये जो है आपका ये सिनोनिम है रेजिडेंट्स का, किसका? रेजिडेंट्स का ये निवासी, कि चमकदार पीले रंग के निवासी हैं जो कि इस हरे भरे संसार में रहते हैं, ठीक है। दे डू नॉट फियर, देखो मैंने ऊपर भी कहा था डज किसकी हेल्पिंग और होती है, यहाँ मैं नीचे कह रहा हूँ डू किसकी हेल्पिंग और होती है। और फिर वही वाली बात, जब इसकी हिंदी करते हैं तो खात्मा जो होता है, जो एंडिंग होती है, वो किस
वर्ड पे होती है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वो डरते नहीं हैं लोगों से जो कि पेड़ के नीचे हैं। यानी कि यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं है कि उन्होंने टाइगर की ही वो बनाई थी, कढ़ाई करके टाइगर को बनाया था, उन्होंने कढ़ाई में टाइगर भी बनाया था, कुछ लोग भी बनाए थे। और लोग कहाँ बैठे थे? पेड़ के नीचे। यानी कि उन्होंने, आंट जेनिफर ने तीन चीज़ें बनाई थी, पेड़, लोगों को और टाइगर को। ठीक है, और यहाँ पे वो वही चीज़ दिखा रहे, अपने मन की इच्छा, क्योंकि वो भी चाहती थी कि मैं ऐसे बेखौफ रहूँ, मैं किसी से ना डरूं। तो वो इच्छा उनके पति ने उनको पूरी तो करने नहीं दी, तो इसलिए उस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, टाइगर बनाया और टाइगर को एकदम बेखौफ दिखाया, यानी जो उनके मन की इच्छा थी। ठीक है, आगे है, दे पेस इन स्लिक शिवेरलिक सर्टेनिटी। दे पेस का मतलब है, पेस का मतलब होता है मस्ती में घूमना, वो मस्ती में घूमते हैं इन स्लिक शिवेरलिक सर्टेनिटी। बच्चों ये जो वर्ड है ना, स्लिक शिवेरलिक सर्टेनिटी, जो मैं इसको बताने जा रहा हूँ मीनिंग, इसको आपको रट लेना है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है कि एक्सप्लेन स्लिक शिवेरलिक सर्टेनिटी। इसका मीन्स होता है अपनी ताकत पर विश्वास होना, टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ वंस पावर, कि अपनी पावर का, यानी कि मस्ती में क्यों घूम रहे हो, मस्ती में वो इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें उन लोगों से डर नहीं है, उन टाइगर को इस बात का डर नहीं है, उन्हें अपनी पावर पे पूरा भरोसा है कि अगर कुछ होता है तो भी वो बच के निकल जाएंगे, नहीं तो वो पलट के वार करेंगे, डिफेंस में अपने आप को बचा लेंगे। स्लिक सिवेरलिक सर्टेनिटी आता है, बहुत बार आता है, बहुत ज़्यादा बार आता है, मैंने खुद भी बहुत बार देखा है और आपने भी देख लिया होगा, अब तक जो एग्जाम हुए एक एक या दो बार आ गया होगा। अगला जो है आपका है, आप देखो पहला जो स्टेंजा है वो बता रहा है टाइगर्स के बारे में, सारी बातें हैं आप देख सकते हो, वो कैसे हैं, वो कहाँ कूद रहे हैं, वो कैसे दिखते हैं और उनकी क्या खूबी है, वो डरते नहीं हैं, ठीक है ना, और मस्ती में घूमते हैं। अब अगला जो स्टेंजा है ना, वो बता रहा है आंट जेनिफर के जो पति देव जी हैं वो उनसे कितना प्यार करते हैं और उस प्यार का उन पर कैसा असर हुआ, उस प्यार का उन पर कैसा असर हुआ। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, कह रहा है आंट जेनिफर, फिर से आ गए काकी के, आंट जेनिफर की उंगलियां जो हैं, फ्लटरिंग मीन्स क्या होता है, फ्लटरिंग का मीन्स होता है कांपना। और नाउ हियर इज योर न्यू होमवर्क, यू हैव टू राइट मिनिमम 4 to 5 सिनोनिम ऑफ कांपना, फ्लटरिंग के आपको 4 से 5 सिनोनिम कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो स्टेंजा दे देगा और कह देगा फ्लटरिंग के सिनोनिम बताओ, कौन सा वर्ड है जो फ्लटरिंग जैसा है। ठीक है, आंट जेनिफर की उंगलियां कांप रही हैं थ्रू हर वूल, किस चीज में कांप रही हैं, वो कांप रही हैं थ्रू हर वूल, ऊन में से फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, ऊन में से जो सुई होती है ना, सुई जिससे हम ऊन बुनते हैं उसको सुई बोलते हैं शायद, उस सुई को खींचने में भी उनकी उंगलियां कांप रही हैं, उस सुई को खींचने में भी उनकी उंगलियां कांप रही हैं। तो उंगलियां क्यों कांपेंगी, क्या ठंड है, उंगलियां क्यों कांपेंगी, क्या सुई भारी है, इसका आंसर उसने आगे दे रखा है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, क्योंकि उनकी उंगलियों पर उनके हस्बैंड की जो वेडिंग बैंड है यानी अंगूठी है, और जब जब वो अपनी उंगली से उसको वो निकालती हैं सुई को, तो उनकी नज़र पड़ जाती है अंगूठी पे, और उस अंगूठी को देख करके उन्हें अत्याचार याद आ जाते हैं जो उनके पति ने उनके साथ किया है, वो प्यार याद आ जाता है जो उनके पति ने उनके साथ किया है, दे लठ खूब मारे हैं, खूब अच्छे से भरे हैं उसको। ठीक है, तो वेडिंग बैंड, उनकी अंगूठी को देख करके उसे अपने पति की याद आ जाती है, और वो सारे टॉर्चर जो उसके हस्बैंड ने उसके साथ किए हैं वो उसको याद आ जाते हैं, इसलिए उसकी उंगलियां डर के मारे कांप जाती हैं। ठीक है, अभी अभी लिखा है सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, कि अंकल की वेडिंग बैंड का जो वेट है, भीम का है, मैसिव मतलब होता है भीम का है, यहाँ लिखा है मैसिव, जो भीम का है वेट है वो उसकी उंगलियों पर जम करके बैठा हुआ है, उसकी उंगलियों पर जम करके बैठा हुआ है और बार बार उसे उसके हस्बैंड की याद दिलाता है, इसलिए उसे एक सिंगल सुई को खींचने में भी उसकी उंगलियां कांप जाती हैं। ये सेकंड स्टेंजा आपको क्लियर हुआ, अब चलते हैं थर्ड पे। जो देखो सेकंड स्टेंजा था उसके हस्बैंड के बारे में और आंट के बारे में,
जो थर्ड स्टैंजा है बच्चों, उसकी दो लाइनें तो हैं टाइगर के बारे में और दो लाइनें जो हैं वो आंट के बारे में। ठीक है, ध्यान से सुनना, इतना टफ नहीं है जितना हम सोचते हैं, और टफ तो कुछ होता ही नहीं है, टफ सिर्फ वही है हमारा मन जो सोच लेता है। ठीक है, आगे चलता है। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट जेनिफर मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डेल्स, यू कैन से ऑर्डेल्स ऑर्डियल्स जो आपको सही लगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो आपको स्पेलिंग से मतलब है। सी वॉज मास्टर्ड बाई, कि जब आंट जेनिफर मर जाएंगी ना, तब भी उनके जो डरे हुए जो हाथ हैं वो लगे रहेंगे, किस चीज़ में, विल लाई स्टिल रिंग विद ऑडियल्स, कि उस अग्नि परीक्षा से। ऑडियल्स का मीन्स होता है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा आप समझते हो बच्चों क्या होती है? अग्नि परीक्षा सीता जी ने भी दी थी रामायण में, कि अग्नि परीक्षा जब खुद को प्रूफ करना होता है किसी की नज़रों में सही। तो आंट जेनिफर की जिंदगी कैसी बीती आप खुद ही बताओ। मैंने बताया उसके पति ने उसको बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि हर बात पे उसको पीट देता था, तो वो हमेशा यही तो कोशिश करती रही पूरी ज़िंदगी कि काश कभी मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा पति मेरे को शाबाशी दे, क्या दे, शाबाशी दे, मेरा पति मेरे को प्यार करे, मेरा पति मेरे को बोले गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। तो इसीलिए उसकी पूरी ज़िंदगी क्या उस अग्नि परीक्षा में निकल गई। किसमें निकल गई? अग्नि परीक्षा में, कि मेरा पति मुझे माने, मेरा पति मेरे को प्यार करे या मेरा पति मेरे को शाबाशी दे। तो वही काम करने में उसकी पूरी ज़िंदगी निकल गई। और यहाँ पे कह रहा है ज़िंदगी ही नहीं, जब वो मर जाएगी ना तो उसके हाथ उसी काम में लगे रहेंगे। यानी अब आप समझ सकते हो कि कितना खौफ था उसके मन में, कितना ज़्यादा प्यार किया होगा, भगवान ना करे कोई किसी को ऐसे प्यार करे। ठीक है, कि कितने अच्छे से, मतलब उसके पति ने उसको टॉर्चर किया, कितनी बुरी तरह से टॉर्चर किया कि वो मरने के बाद भी, वो तो मर जाएगी बट उसके जो हैंड है वो लगे रहेंगे उन कामों में। सी वॉज मास्टर्ड मास्टर्ड बाई, जो काम उसके पति ने उसको दिए थे। ठीक है, अब अगला, द टाइगर्स इन द पैनल। पैनल का एक्चुअल मीन्स होता है चौखट, चौखट बोल सकते हो, पर्दा बोल सकते हो। ठीक है, द टाइगर इन द पैनल, जो पैनल में जो टाइगर बनाए हैं, दैट्स ही मेड, जो उसने बनाए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग, विल गो ऑन प्रेंसिंग। बच्चों कभी भी वर्ब प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आती है तो आईएनजी के साथ आती है, जो कि एक्चुअल में बन जाती है नाउन। ठीक है, विल गो ऑन प्रेंसिंग, जो टाइगर उसने बनाए हैं पैनल पे वो तो कूदते रहेंगे, प्राउड मतलब गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड बिना किसी से डरे हुए। तो बच्चों ये थी आपकी पोयम, मैं जितना इजी हो सकता था उतना मैंने समझाने की कोशिश करी, और बहुत ही नॉर्मल वे में, बहुत ही फ्रेंडली वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं चाहूँगा आप इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हर किसी को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू बच्चों।